क्या जहर घोल के लाई है तू? क्या हुआ माँ जी? चावल अभी ढंग से पके भी नहीं है, अपने घर में ऐसे खीर बनाना सिखा क्या तूने? वो माँ जी, पूजा दीदी ने ही मुझे बताया था कि आपको ऐसी ही खीर पसंद है, अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं दोबारा बना दे। कोई जरूरत नहीं है, पूजा मेरी बेटी है, वो अपने हाथों से मेरे खीर बना के ले आएगी, तू उसकी बराबरी मत कर, समझी? माँ जी, बराबरी किस बात की? पूजा दीदी मेरी भी तो बहन जैसी है। उसको बहन बोल देने से तू उसके जैसी नहीं बन जाएगी, समझी? इसे लेकर जा यहाँ से। माँ जी, मैं थोड़ी देर में फिर से। मैंने कहा ना, लेकर जाए इसे। माँ जी, आप सबके लिए साड़ियाँ लाई हैं। हाँ, ये देखो, ये माँ मेरे लिए लाई, कैसी है? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। माँ जी, आप मेरे लिए कौन सी साड़ी लाई है? तेरे लिए ये ले। अरे वाह, तो बहुत सुंदर है, ये मेरा फेवरेट कलर है माँ जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत थक गए होंगे, अच्छा मैं आपके लिए पानी लाती। माँ, आप तो कह रहे थे कि आप उनके लिए कोई साड़ी नहीं लाई। अरे वो सामने से आके पूछने लगी तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने वो जो कविता वाली साड़ी थी ना, उसे पकड़ा दी। वो कविता आंटी, वो जो हमारे घर झाड़ू पोछा करने आती हैं। हाँ तो, अरे वैसे भी उसकी औकात ना उससे ज्यादा की नहीं है, उसके लिए उतना ही काफी है। जो भी हो, मेरी साड़ी तो सबसे सुंदर है। चलो बाय माँ, मैं निकल रही हूँ, मैं बहुत लेट हो गई आज। ओके बाय बेटा। बाय। अरे टिफिन तो भूल ही गई अपना। पूजा, पूजा, अरे पूजा बेटा। देखिए, हमने उन्हें हॉस्पिटल से घर पे शिफ्ट तो कर दिया है, बट अभी उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। उनका खाना पीना हाइजीन सब आप लोग को ही मेंटेन करना पड़ेगा। व्हाट? जी, अभी उनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनके साथ हैं। जी डॉक्टर। ओके, अभी मैं चलती हूँ, थैंक यू। अब ये सब काम कौन करेगा? उनको नहलाओ, बाथरूम लेकर जाओ। देखो, मैं तो ये सब कभी नहीं कर सकती। देखो दीदी, उन्हें अभी हमारी बहुत ज़रूरत है, और अभी हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? ऋषि भी अभी दुबई गए हुए हैं। देखो, वो सब आप और ऋषि भैया जानो, मुझे सब में इंक्लूड मत करो। माँ जी, आपकी दवाई। मुझे तेरी जरूरत नहीं है, रख दे वहाँ पे। पूजा कहाँ? वो पूजा दीदी तो अभी थोड़ी देर पहले किसी दोस्त से मिलने गई हैं। रख दे, मैं ले लूंगी अपने आप दवाई। लाइए माँ जी, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी, मुझे हाथ मत लगा। पूजा बेटा, तू आ गई, मैं कब से तुझे ही ढूंढ रही थी। हाँ बस, अभी अभी आई, बहुत थक गई आज। पूजा बेटा, ये पट्टियाँ बदल देगी जरा, मुझसे हो नहीं रहा। क्यों? नो, मैं आपकी ये गंदी पट्टियाँ नहीं बदलने वाली, और मैंने भाभी को पहले ही बता दिया था कि मुझसे केयर टेकर वाला काम नहीं होगा। क्या? हाँ, वो तो भाभी कह रही थी कि वो आपकी अच्छे से देखभाल कर लेंगी, वरना मैंने तो उन्हें हॉस्पिटल हायर करने का भी ऑप्शन दिया था। क्या माँ,
अगर भाभी कह रही हैं तो आप उन्हीं से हेल्प ले लो ना, मुझे मत बोला करो ये सब। साक्षी बेटा, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया और तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया। इसमें बताने की क्या बात थी माँ जी, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। हाँ साक्षी बेटा, तू सही कह रही है, तू मेरी बेटी ही है। जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा किसी अपने की जरूरत थी तो सिर्फ तू ही थी मेरे पास। तू मेरी बेटी नहीं, मेरे लिए मेरी बेटी से भी बढ़कर है। बेटी होने के नाते तू मेरी गलतियों को माफ कर सकती है बेटा। अरे आप माफी मत मांगिए माँ जी, आपने मुझे अपनी बेटी समझा, मेरे लिए यही बहुत है। मेरी पट्टी बदल देगी? हाँ माँ बिल्कुल। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।